हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने गूगल पे का यूपीआई पिन भूल गए हैं? अब आप चाहते हो अपने गूगल पे का यूपीआई पिन पता करना, तो फिर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप अपने गूगल पे का यूपीआई पिन भूल गए हो फिर भी आप किस तरीके से रीसेट करके नया बना सकते हो। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको इस नए वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गूगल पे ऐप को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। और गूगल पे ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। इसी प्रोफाइल पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, जितने भी बैंक को आपने ऐड किया होगा वो सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी बैंक अकाउंट का आप यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं उस पर आपको सिंपली एक बार इस तरीके से क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक को एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फॉरगेट यूपीआई पिन, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, इसी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपसे बोल रहा है इंटर योर डेबिट एटीएम कार्ड इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट डाल देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपने एटीएम का एक्सपायरी डेट डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं दोनों चीजों को इस तरीके से फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम आपको बताते हैं। इस तरीके से आपको फिलअप कर लेना इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एरो देखने को मिल जाता है, इसी एरो के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एरो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर ओटीपी आएगी 6 अंक की, वो ओटीपी अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेगी इस तरीके से, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो ओटीपी मेरी आई मैसेज के द्वारा और यहां पर ओटीपी एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपसे बोला सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपना गूगल पे का न्यू यूपीआई पिन अब बना लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना गूगल पे का न्यू यूपीआई पिन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से यूपीआई पिन बना लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपसे बोला कंफर्म 4 डिजिट यूपीआई पिन। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप जो यूपीआई पिन बनाया है गूगल पे का नया वाला, उसी यूपीआई पिन को दोबारा से आपको यहां पर डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके से यूपीआई पिन को बनाया है, उसके बाद मैंने इस तरीके से डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर रीसेटिंग होगा यूपीआई पिन, उसके बाद यूपीआई पिन अपडेटेड हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके गूगल पे का यूपीआई पिन चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर आप अपने गूगल पे का यूपीआई पिन भूल भी गए हो तो इसी तरीके से आप चेंज करके नया वाला यूपीआई पिन बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।